नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। जय हिंद, मैं डीके यादव आपका फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? वैसे ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, सब कुछ रहते हैं आप लोग, ठीक है। इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन बता दिया था, 5 नंबर क्वेश्चन बता दिया। अगर आप नहीं देखें तो जाके सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप समाकलन नहीं पढ़े तो सब कुछ पढ़ सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, तभी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमने लिया है अगला नंबर, 5 नंबर के बाद 6 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने इससे पिछले लेक्चर में करा दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो दाएं तक पहुंचेगी, ठीक है। क्वेश्चन हमने लिखा है कि क्वेश्चन क्या है, बोला है कि अवकल समीकरण बनाना है। किसका अवकल समीकरण बनाना है? तो बोला है कि वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ समझते हैं, बिना ग्राफ के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर आप ग्राफ समझ लेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए बोला है कि वाई अक्ष को मूल बिंदु पर, कहां पे स्पर्श कर रहा है? मूल बिंदु, ठीक है। वाई अक्ष को मूल बिंदु पर, ये चीज आपको समझ में आ रहा है? ये वाला आपको कहां पे स्पर्श कर रहा है? यहां पे, ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया वाई, ये हो गया एक्स डैश, और ये क्या हो गया आपका एक्स, ये आपका हो गया वृत्त, ठीक। इसका मतलब कि अगर मूल बिंदु पे स्पर्श कर रहा है तो समझिएगा यहां से ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसका केंद्र कहलाएगा, ठीक है। यहां से ये त्रिज्या हो जाएगी और ये वाला क्या कहलाएगा? इसका सेंटर, ठीक। अगर हम इसकी त्रिज्या, इसका केंद्र लिखना चाहें सेंटर, तो बोलिएगा ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा? त्रिज्या के बराबर, ठीक। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? ए कामा जीरो, क्योंकि वाई अक्ष पे कुछ भी नहीं चले तो वाई के बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। इतना चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक। अब अगर हम बोले कि भाई अगर वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र कितना हो आपका? एच कामा के हो, ठीक है। और त्रिज्या कितना हो? अगर ए हो तो समीकरण का, वृत्त का समीकरण कितना होता है? फार्मूला आपको आना चाहिए भाई, फार्मूला पढ़े होंगे आप 11th में, कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला होता है। अब बोलिएगा केंद्र का मान हम रखना चाहें तो x माइनस h, h के स्थान पे कितना दिख रहा है? a, तो ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू, बोलिए k का मान कितना है? 0 इक्वल टू a स्क्वायर, a का मान कितना है? a, तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? देखिएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, और प्लस ये कितना हो गया आपका? y का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और माइनस टू एक्स को हमें भेज दीजिए, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? टू ए एक्स, एक्स से अगर इधर भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा में एक्स इक्वल टू है कितना हो जाएगा? टू ए। हमने इसलिए किया कि भाई हमको अवकल समीकरण बनाना है, और अवकल समीकरण बनाने से पहले हम स्वेच्छा चरों की संख्या गिनते हैं, जितने स्वेच्छा होते हैं वो चर होते हैं उतने क्या करते हैं? अवकलन करते हैं, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि एक, देखिए स्वेच्छा चर एक ही है तो हम कोशिश ऐसा करेंगे कि भाई एक ही बार में अवकल समीकरण में स्वेच्छा चर हट जाए। हमने एक साइड में इसलिए दे दी क्योंकि जब आप अवकलन करेंगे तो इस पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा? जीरो, और यहाँ से सीधे सीधे हमारा क्या मिल जाएगा? अवकल समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। जाने वाला कहाँ गया? देखिएगा अगर अगर हम ये ग्राफ आपने लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, ये फिगर को मिटा रहे हैं, फिगर बना लीजिएगा। बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर टू कितना है? टू ए। जब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा में कितना हो गया? एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये हो गया आपका टू ए। देखिए अंश बटे हर वाला फार्मूला कितना होता है? हर इंटू अंश का अवकलन, अंश कितना है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? अंश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू हर का अवकलन डी बाई डी एक्स, ये हो गया एक्स, और बटा में कितना हो जाएगा? हर का स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए टू ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा? जीरो। अगर हम एक्स स्क्वायर से जीरो में गुणा करें तो पूरा जीरो हो जाएगा, इधर बचेगा देखिए एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? टू एक्स, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा? टू वाई, लेकिन साथ में कितना लग जाता है? डी वाई अपन डी, ठीक है।
प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, और इक्वल देखिए x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो गुणा करा सकते हैं, हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस यहां पे हो जाएगा y स्क्वायर, और प्लस x से जब इसमें गुणा होती है हो जाएगा 2xy dy / dx इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा अभिष्ट अवकल समीकरण। कोई दिक्कत है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख दीजिए, अगले क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सात नंबर बोला है, सात नंबर क्वेश्चन में कि ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर हो, शीर्ष कहां पे है मूल बिंदु पे है, और जिनका अक्ष वाय धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में, मतलब कि वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में, ठीक है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को हम यहां पर समझाते हैं। देखिए तो बोला है कि ऐसे परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण, माने पूरे खानदान को प्रदर्शित करने वाले समीकरण ज्ञात कीजिए। x हो गया ये x डैश, ये कौन सा हो जाएगा आपका y, और ये हो गया आपका y डैश, ठीक है। बोला है कि ऐसे अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसे परवलय का जिसका जो अक्ष हो y अक्ष पे हो, अक्ष कहां पे हो, तो देखिए परवलय जिसके तरफ मुड़ा होता है वही उसका क्या कहलाता है अक्ष, इस पे काटेगा तो इसका क्या कहलाएगा अक्ष। बोला है कि वाई अक्ष की ऊपर दिशा में हो, और कौन सा हो जाएगा धनात्मक दिशा कौन सा होता है ये वाला, तो प्लस में इसका मुख, मतलब परवलय कैसे जाएगा आपका, ठीक है। और इसका इक्वेशन कितना होता है तो एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई, ठीक है। तो हमको अवशेष ये वाला हो गया आपका ए हो गया, इधर आपका फोकस होता है ना एस से दिखाते हैं, ठीक है, जिसका निर्देशांक जीरो का मान कितना होता है ए। ये बहुत अच्छे तरीके से 11 में पढ़ होंगे आप लोग, ठीक है। तो अगर हम इस अवकल समीकरण को लिखेंगे, लिखेंगे शीर्ष शीर्ष 0 0 वाले परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण, देखिए यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष और शीर्ष 0 0 वाले परवलय का समीकरण कितना होता है एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई, ठीक है। अब अगर हमको इस अवकल समीकरण को बनाना है तो स्वेच्छ अचर की नहीं, स्वेच्छ अचर कितना दिख रहा है ए, तो अब हम इसको ए को घटाने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि इस 4a को इधर रखते हैं वाई से इन्हें भाग करते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4a। अब आप अवकलन कितनी बार करेंगे, एक बार, जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बटा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स 4a, बोलिएगा हर इंटू अंश का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस होता है बीच में, माइनस अंश डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हर, और बटा में हर का वाई वाई का कितना हो जाएगा स्क्वायर, हाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, वाई स्क्वायर से 0 में गुणा कर दे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, और एक्स स्क्वायर कितना होता है आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई का कितना हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू 0। तो आप यही सीधा सीधा लिख दीजिए, इसको इधर लेके चले चलिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स और माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा अवकल समीकरण हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अगले तरफ के देखते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है आठ नंबर, ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभि वाई अक्ष पे है, मतलब कि दीर्घ वृत्त आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई उनकी नाभि क्या होती है, बोला है कि वाई अक्ष पर है, तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु, केंद्र क्या है मूल बिंदु है, थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दें, आप नोट कर लिए होंगे, आठ नंबर देखिएगा, क्वेश्चन को लिख देते हैं, क्वेश्चन को लिखने से बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिएगा तो क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आठ नंबर के, ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभि वाई अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र क्या है मूल बिंदु पर, ठीक समझिए। अगर दीर्घ वृत्त, इसका मतलब कि दीर्घ वृत्त कौन सा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दीर्घ वृत्त, कौन सा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, तो ये रहा आपका ऊर्ध्वाधर दीर्घ वृत्त, ठीक है। अंडा देखे ना वो आपका दीर्घ वृत्त का आकार का होता है, वही आकार का है, ठीक है। अंडा को सीधा अगर सुधा करके रख दिए तो क्षैतिज वृत्त दीर्घ वृत्त, और सीधा सीधा रख दिए तो क्या होता है ऊर्ध्वाधर दीर्घ वृत्त, ठीक है। ये एक्स और ये क्या हो गया आपका एक्स डैश, ये इसका केंद्र होता है, यहाँ पे इसकी नाभियां होती है एस एस, और इधर क्या होती है एस डैश, ठीक है। ये इसका दीर्घ अक्ष कहलाता है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला क्या कहलाता है लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना होती है 2a, और लघु अक्ष की लंबाई कितना होती है 2b, ठीक। तो समझिएगा इसका जो समीकरण होता है, समीकरण जो होता है दीर्घवृत्त का,
वो कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इजक्वल टू वन के, जहां ए ग्रेटर देन हमेशा क्या होता है बी के, आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है डेरिवेटिव में। ठीक, अब समझिएगा, अगर हमको अवकल समीकरण बनाना है तो भाई हमको स्वेच्छ चर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ए स्क्वायर से इधर गुणा करा दे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इजक्वल टू है कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर लिख देना ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आने समझ में आ रही है, अब समझिएगा, हमको देख रहा है कि दो स्वेच्छ चर है ए और बी, तो अवकलन कितनी बार करना पड़ेगा दो बार, तो एक बार लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई इजक्वल टू है कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर और वाई का कितना हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स, कहने बोलिए कंस्टेंट का अवकलन कितना होता है जीरो। ठीक, अब अगर ये वाला बी स्क्वायर वाई आ गया, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर मिस्टेक लिखे हैं वाई स्क्वायर, ठीक है इसको एक लाइन और लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर है और ये कितना हो गया वाई स्क्वायर, जब अवकलन करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस बी स्क्वायर हो गया और वाई स्क्वायर का टू वाई तो होगा लेकिन साथ में क्या लग जाएगा डी वाई अपन डी और कंस्टेंट का कितना होता है आपका जीरो। ठीक, अगर ये प्लस है इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू टू एक्स, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू टू वाई और डी वाई अपन डी एक्स। ठीक है, समझिएगा हमको स्वेच्छ अचर को कैसा होकर के हटा देना है, भाई हम जो मेथड बता रहे हैं वो सबसे सिंपल है, अब इससे आसान आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल आप धैर्य के साथ करिएगा। देखिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इस माइनस बी स्क्वायर को और ए स्क्वायर को एक साइड लिख दे रहे हैं, इससे इधर भाग कर दे रहे हैं, ठीक है चाहे इधर क्या करें और टू एक्स से इधर भाग कर दीजिए, जब टू एक्स से भाग करेंगे और इससे इधर भाग करेंगे तो देखिए टू एक्स इधर भाग होगा तो ये हो जाएगा टू वाई बटा में टू एक्स और इधर कितना है डी वाई अपन डी एक्स और जब इधर इसमें भाग होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पहले से है अब बटा में माइनस बी स्क्वायर, दो से दो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा वाई बटा एक्स और डी वाई अपन डी एक्स और इधर बोलिएगा कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, जब दोबारा अवकलन करेंगे ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई बटा एक्स और ये हो गया डी वाई अपन डी एक्स, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक, बोलिए कंस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा जीरो लिख देते हैं एक बार, टी बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर बटा में कितना हो गया आपका बी स्क्वायर। ठीक है, जब आप अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिएगा फर्स्ट और इंटू कितना हो गया सेकेंड, तो कितना होगा फर्स्ट फर्स्ट यानी वाई बाई एक्स इंटू सेकेंड का अवकलन डी वाई अपन डी एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा डी टू वाई अपन डी एक्स प्लस सेकेंड और इंटू फर्स्ट का अवकलन तो ये हो जाएगा डी बाई डी और वाई बटा एक्स का अवकलन। ठीक है, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है जीरो, ये हो जाएगा वाई बटा में एक्स डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स हो गया इंटू, देखिए हर अंश का अवकलन वाई का कितना हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स माइनस अंश, ठीक है इंटू हर का अवकलन एक्स का कितना हो जाएगा वन बटा में हर का स्क्वायर कितना हो गया जीरो। अब गुणा इसका इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी बता रखा है, ठीक है तो आपको अगर दिक्कत हो रही नहीं दिक्कत होती होगी समझ में, अगर पहले से वीडियो देखते आ रहे डी वाई अपन डी एक्स का यहाँ पे गुणा होता ही हो जाएगा एक्स डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे गुणा होता ही हो जाएगा वाई डी वाई अपन डी एक्स और बटा में एक्स का स्क्वायर इजकल टू जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल मेथड था, कौन दिक्कत आगे बढ़ा जाए चलिएगा, तो नौ नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, तब तक आप लिखिए इसको, देखिएगा नौ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बोला कि ऐसे अतिपरवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभिया x अक्ष एक्स अक्ष पर है और केंद्र क्या है मूल बिंदु पर। ठीक है, अब कहानी समझिएगा अतिपरवलय किसे कहते हैं, तो भाई अतिपरवलय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपका अतिपरवलय होता है, समझिएगा अतिपरवलय का हम विगत लाभ करते रहे, ठीक है थोड़ा सा कहानी समझ में आ जाएगी, अगर आप पेपर में ऐसे कर देते हैं तो और अच्छा लगेगा उसको। ठीक है, ये आपका अतिपरवलय ये y और ये क्या हो गया आपका y डैश, ये इसका ये वाला इसका शीर्ष कहलाता है a डैश, ये इसका कितना हो गया शीर्ष a हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक हम दिखा, इधर एक नाभि होती है s डैश और इधर कितना होता है s, यहाँ से लंबाई जो टोटल होती है वो कितना होती है टू a, इसको अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं
और जो विपरीत होता है उसको कितना बोलते हैं, 2b से, मतलब कि इधर के जितना आप ऊंचाई तक जाएगा, ये वाले को क्या बोलते हैं, 2b, और इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य अक्ष। ठीक है, इसका जो समीकरण होता है अतिपरवलय का, हम फिगर इसलिए बना दे रहे हैं कि आप भी पेपर में बना के लिखे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें प्लस था, इसमें क्या है, माइनस, तो सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। दो स्वेच्छा चरण है तो अवकलन कितनी बार करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा। ठीक है, आप अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू है कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, जब आप अवकलन करेंगे तो बी स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन बोलिए कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू वाई और साथ में लग जाएगा डी वाई अपन डी एक्स, इधर कांस्टेंट बचा, कांस्टेंट का अवकलन जीरो, माइनस को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर से इधर भाग इधर, अभी पूरा प्रोसेस किए हैं, टू वाई बटा में टू एक्स डी वाई अपन में कितना हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू है कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर करेंगे मैंने बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है, दो से दो कट गया, अवकलन करेंगे आप सेम वैसे ही, डी बाई डी एक्स वाई बटा एक्स हो गया। ठीक है, और इंटू डी वाई अपन डी एक्स, ये फर्स्ट है और इधर कांस्टेंट का अवकलन जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हमने पिछला वाला क्वेश्चन सेम बताया तो उसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आगे कर सकते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10 नंबर की तरफ। देखिए एक 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बोला है कि ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र वाई अक्ष पे है, जिसका केंद्र कहाँ पे, वाई अक्ष पे है और त्रिज्या कितना है, 3 इकाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, देखिएगा ये रहा आपका वृत्त, ठीक है ये वाई अक्ष रहा, वाई अक्ष पे केंद्र होने का मतलब कि केंद्र कहाँ चला गया, वाई अक्ष पे। ठीक है, ये एक्स डैश एक्स हो गया और ये क्या हो गया आपका एक्स डैश, ये वाई डैश और ये कितना हो गया वाई, त्रिज्या कितना है, अगर 3 है, त्रिज्या कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक लेंथ, इसको मान लो ये वाला कितना हो गया 3 इकाई। ठीक है, बोला कि वाई अक्ष पर है केंद्र, तो हम मान ले रहे हैं कि अगर एक्स अक्ष पर नहीं है तो कितना हो जाएगा 0 और कामा b, इसको केंद्र को कितना मान ले रहे 0 कामा b, ये हो गया सेंटर, क्योंकि एक्स अक्ष पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 0 और वाई अक्ष पे कितना हो जाएगा b। ठीक है, मान, ठीक, तो माना, मान सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, माना केंद्र कितना है 0 कामा b और त्रिज्या a इज इक्वल टू कितना दिया है, त्रिज्या कितना दिया 3, तो फार्मूला कितना होता है x माइनस h का होल स्क्वायर, इससे पहले बता चुके हैं आपको, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर। ठीक, बोलिएगा एक्स माइनस एच का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का मान कितना है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू इधर कितना हो गया त्रिज्या 3 का मान कितना होगा 3 का वर्ग 9। ठीक, जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2bx इक्वल टू इधर कितना हो गया 9 के। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस बी स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 2bx इक्वल टू बी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब हमको देखिए बी भी स्वेच्छा चल है, बी भी स्वेच्छा चल, तो हमने बोला था कि परस्पर संबंध रखने वाले स्वेच्छा चल कितना गिनते हैं 1, तो दो बार बी आने से दो बार तो स्वेच्छा चल नहीं हो जाएंगे ना, स्वेच्छा चल तो एक ही रहेगा, तो अवकलन करिएगा, जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 2bx इधर हो जाएगा डी बाई डी 9 माइनस d बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका b का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y, साथ में लग जाता है डी बाई अपन डी एक्स माइनस 2b और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1। ठीक, इक्वल टू इधर बोलेंगे 9 का भी 0 और b स्क्वायर का भी कितना हो जाएगा 0, सीधा सीधा लिखते हैं 0। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, उधर भाग कर देंगे तो बचेगा x प्लस वाई डी वाई अपन डी एक्स और इस 2b बचेगा तो b को कहाँ भेज रहे हैं इधर, x प्लस वाई डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू कितना b बचा, अभी भी b बचा है तो अवकल समीकरण तो नहीं होगा ना, तो अब इस b को क्या करेंगे कैसे हम करके हटा देना है, अब b का मान कहीं पे भी उठा कर रख देंगे, आप किसी भी क्वेश्चन रख दीजिए यहीं पे रख दीजिए, समीकरण नंबर इसको कितना मान लेना 1, तो जब b का मान इसे रखेंगे समीकरण 1 में तो देखिए कितना हो जाएगा
ये वाला x माइनस जीरो का स्क्वायर क्या है तो कितना है x स्क्वायर प्लस देखिए y y माइनस b y माइनस b और b का मान कितना है x प्लस y dy अपन dx x प्लस y करेंगे तो माइनस हो जाएगा y dy अपन dx और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 कितना है 9 और यही हमारा क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक छोड़ देंगे, कोई नहीं गलत काट सकता, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए 10 नंबर के बाद 11 नंबर देखते हैं, इसको मिटा दें, अब वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। जिगर दहल तुम हीरा क्या जाने अनारी बोला कि निम्नलिखित अवकल समीकरण में से किस अवकल समीकरण का किस समीकरण का व्यापक हल y = c1 e के पावर x + c2 e के पावर -x है। ठीक है, व्यापक हल का मतलब कि वही जनरल हल जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, सुनिएगा क्वेश्चन को देख देते हैं। बोला है कितना दिया है y = c1 e के घात x + c2 e के घात -x। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, बुक होगी आपके पास। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्वेच्छा चर कितने होंगे 2, तो अवकलन कितनी बार करना पड़ेगा 2, बिना कहे कुछ 2 बार अवकलन करना ही आपको। ठीक, चलिए बोलिए एक बार अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा डी बाई अपन डी एक्स, इधर बोलिएगा डी बाई डी एक्स सी वन ई के घर थे एक्स प्लस डी के घर डी बाई डी एक्स सी टू और ई के घर थे माइनस एक्स। जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा डी बाई अपन डी एक्स, देखिए c1 कांस्टेंट है, e के घात x का कितना होता है e के घात x, ऐसे ही c2 कांस्टेंट है और e के घात -x का e के घात -x होगा, लेकिन जब -x करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा c2 e के घात -x, हमको दो बार अवकलन करना, तो फिर से करेंगे तो d2 y अपन dx2, तो फिर वैसे ही e के घात x का e के घात x होगा, तो c1 e के घात x, लेकिन माइनस फिर से आएगा तो माइनस माइनस क्या बना देगा c2 e के घात x -x। ठीक, और इसके स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, इसके स्थान पे y, तो ये हो जाएगा d2 y अपन डी एक्स स्क्वायर और वाई होगा, वाई को इधर ला देंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 0, तो हमारा जो भी ऑप्शन में होगा उसको क्या कर लेंगे सही, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 माइनस वाला। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शायद सेकेंड, ऑप्शन नंबर कौन सा सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित समीकरण में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y = x है, y = कितना दिया है y = x। ठीक है, विशिष्ट हल का मतलब, ठीक है, कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है, क्या बोला है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए करते क्या है, सॉरी देखिए y = x है। ठीक है, वीडियो आ रही है। ठीक है, देखिए तो बोला है कि y = x किसका विशिष्ट हल है, ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन में सभी को देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिएगा जो भी ऑप्शन दिया है तो हम यहाँ से सबका मान निकाल लेते हैं, पहले dy / dx का मान निकालते हैं, तो dy / dx का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा d / dx x और ये हो जाएगा dy / dx x का अवकलन कितना होता है 1, हमको दो बार अवकलन करना है क्योंकि दिया है इक्वेशन में, तो d2y / dx स्क्वायर = 1 का कितना हो जाएगा 0, सबका मान कि सबके सभी समीकरणों में क्या करते हैं पुट करते हैं। देखिएगा ऑप्शन जब a नंबर देखेंगे, फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखेंगे तो ये दिया है d2y / dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स और प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया है एक्स, एक्स को इधर ला देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स बराबर 0। अब इसमें सबका मान पुट करिए, अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो समीकरण का विशिष्ट हल कहलाएगा। ठीक है, मान पुट करिए, लेकिन डी टू वाई अपन डी एक्स मान कितना है 0, तो ये 0 रखेंगे माइनस डी वाई अपन डी एक्स का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, वाई का मान कितना है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस पहले से कितना है x, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा लेकिन कितना बचेगा माइनस x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि ऑप्शन ए नंबर सही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे ऑप्शन में पुट करेंगे तो भी वो 0 नहीं होगा क्योंकि RHS में क्या दिख रहा है x, तो भी वो 0 नहीं बनेगा। तीसरे में पुट करके देखते हैं, सी नंबर देखिएगा, ये दिया है d2y / dx स्क्वायर + माइनस x स्क्वायर dy / dx और प्लस xy इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, जब पुट करेंगे तो d2y / dx2 का मान बोले यहां से कितना है 0 माइनस x स्क्वायर dy / dx का मान 1 प्लस x और y का कितना है मान x, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर पूरा कट जाएगा कितना आ जाएगा 0,
इसका मतलब कि इस समीकरण को ये वाला मान क्या करे, संतुष्ट करे, अतः ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। y = x का विशिष्टांक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका क्या हो गई, पूर्ण रूप से समाप्त हुई। क्वेश्चन हमने लाइन बाय लाइन बताया, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपका अलग से भी बुक में किसी में दिक्कत होता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो वही लाल का बटन दबा लीजिएगा, ठीक। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।